नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय और आप देख रहे हैं फोर्थ पिलर लाइव। आपको बता दें कि आज आरजेडी के प्रदेश अध्यक्ष जगदानंद सिंह मीडिया को संबोधित करते हुए बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि यह कोई विषय है, 2000 का नोट जो छापा है वह बंद कर दिया, यह कोई बड़ा विषय नहीं है। जो बड़े नोट वाले हैं जिनके पास होगा वह जमा करा देंगे। उन्होंने कहा कि काले धन पर यह स्ट्राइक हुआ ही नहीं, क्योंकि अगर स्ट्राइक होता तो 1000 से छोटा नोट बनाया जाता, लेकिन बड़ा नोट बना दिया गया। वहीं शिक्षक नियुक्ति नियमावली को लेकर उन्होंने कहा कि पटना हाई कोर्ट में याचिका होने पर बहुत सी चीज सबके सामने आती है और जो लगता है यह सही है और जो गलत है उसी के हिसाब से अपनी मांग लोग रखते हैं, फिर सरकार उस पर विचार भी करती है और उसी पर फैसला भी लेती है। वहीं तेजस्वी यादव के फंसाने वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए जगदानंद सिंह ने कहा कि यह तो पूरे परिवार को फंसाने का ही प्रयास है। जो कमजोरों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको विवश कर दिया जाए ताकि वह कमजोरों की लड़ाई से दूर हो जाएं। इस दौरान और क्या कुछ कह रहे हैं जगदानंद सिंह, देखिए इस वीडियो में। ये कोई विषय है जी, 2000 का नोट जो छापा वो बंद कर दिया। उस बार और इस बार में जरूर एक अंतर मेरा व्यक्तिगत रहा है, उसमें आम आदमियों को लाइन में खड़ा कर दिया गया। इसमें केवल उन्हीं लोगों को कहा गया है जो 2000 रुपये का नोट रखते हैं। मैं नहीं समझ रहा हूँ कि बहुत बड़ा विषय है ये, छोटा विषय है। इस भारत में जब सभी पैसा रखने वाले, चाहे वो 10 रुपया के हों, 5 रुपया के हों, 100 रुपया वाले हों, जितने लोग हों, 500 तक के सभी नोटों को ख़त्म कर दिया गया। वो नोट आम आदमियों के पास था और उस दुर्दशा का शिकार पूरा भारत हुआ, अर्थव्यवस्था हमारी बिगड़ गई। अब ये 2000 के नोट से थोड़े दिनों में जरा अध्ययन करके सभी लोगों को पता चलेगा। हाँ, लेकिन आम आदमी को शायद बैंकों में लाइन लगाने के लिए, बीमार होने के लिए, मर जाने के लिए कोई विवश नहीं कर सकता है। बाकी ये बड़े नोट वाले हैं तो जिनके पास होगा, आराम से उनका बैंकिंग सिस्टम से चलता होगा, अपने काम को कर लेंगे। और 2 महीने का शायद समय भी 2 महीने का मिल रहा है। सरकार ने जो सिद्धांत पढ़ा है, काले धन पर स्ट्राइक तो पहला बार हुआ ही नहीं, क्योंकि यदि काले धन पर स्ट्राइक रहता तो 1000 रुपये के नोट से छोटा नोट बनाया गया जाता, बड़ा नोट बनाया गया, वो भारत की जनता को तंग और तबाह। और ये भी था, मनमोहन सिंह ने कहा था 2% GDP में गिरावट आएगी। उस बढ़ान अर्थशास्त्री की एक एक बात सही साबित हुई, न उससे महंगाई घटी, न उसे काला धन वापस हुआ, न उसे उग्रवाद निकला, न उसे किस जिसको कहते थे ये जितने भी उग्रवादी हैं उनके हाथों में से पैसा हम निकाल लेंगे, इनके उग्रवाद की क्षमता खत्म हो जाए, सब बढ़ता गया और तबाह भारत हो गया। भारत को तबाह करने वाले लोगों ने अब इस बार एक नई बात लेके आए हैं। एक बात चर्चा हो रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक किस पर, श्रम अपने ऊपर, सरकार, जनता और संवैधानिक संस्थाएं अलग अलग नहीं होती, अलग अलग नहीं होती। किस पर स्ट्राइक कर रहे हो, ये बात हमारी समझ में आ तक नहीं आता है। किस पर स्ट्राइक कर रहे हो, किसको दंडित कर रहे हो? 2016 में नोटबंदी करके प्रधानमंत्री जापान चले गए। कुछ दिनों तक लोगों को भ्रम बना रहता है और सबके भ्रम टूट चुके हैं। अब ये समाप्त होते चले जा रहे हैं, समाप्त होते चले जा रहे हैं। और प्रधानमंत्री एक अवगुणी व्यक्ति को उस कुर्सी पर, प्रचार तंत्र और इस देश के धनाढ्य अरबपति खरबपतियों ने मिलकर के बनाया था, वो भी अपनी पूंजी वसूल चुके हैं। अब मुझे लगता है ये सबके लिए भी कार्य चुके हैं। ठीक, ये तो पूरे परिवार को फंसाने का ही ना प्रयास है जी, केवल एक बात के लिए कि जो कमजोरों की लड़ाई लड़ रहे हैं उनको विवश कर दिया जाए कि कमजोरों की लड़ाई से विरत हो जाए। दंगाइयों उन्मादियों के पास और कोई रास्ता नहीं है सिवाय इसके कि कोर्ट कचहरी ऐसी चीज़ों को उलझन में डाला जाए
कि जो कमजोरों की लड़ाई लड़ रहे हैं वो लड़ ना पावे, उनके पास समय ना बचे। लेकिन लोग भूलें मत, भारत की जनता भी अब उनकी चुनौती बन चुकी है। दिग्भ्रमित लोग नहीं कर सकते, क्या किया जाए। इन्हीं सारी विपरीत परिस्थितियों में कमजोर और गरीबों का नेतृत्व सदा से मेहनत परिश्रम किया है। गांधी जी का क्या दोष था, इनको गोली मार दी गई। तो ये देश के तो सामने है कि सावरकरवादी, गोलकरवादी, ये कभी भी सही चीज़ों को, अच्छी चीज़ों को आगे बढ़ने नहीं देना चाहते हैं। इसलिए हम लोग घबरा नहीं रहे हैं। हम लोग के बहुत पुरखों ने शहादत दी है, फिर देखा जाएगा। ये शहादत का क्रम चलता रहेगा, कोई इसमें अब रुकने वाला नहीं। तो 2000 के नोट अब क्यों कर रहे हैं, भाषा का इस्तेमाल हम नहीं कर रहे हैं। उन लोगों ने तो नीतीश जी का इस्तेमाल विशाल किया है। अब अपनी पूरी क्षमता का प्रयोग इस देश के लिए करना चाहते हैं तो इन लोगों को दर्द क्यों हो रहा है। क्या उनमें क्षमता नहीं थी उनकी बदौलत से बिहार को तंग और तबाह करने के लिए इनको मौका मिल गया। भूलिए मत, अब जब एक सही दिशा में उछल रहे हैं, दंगाइयों का साथ छोड़ करके, उन्मादियों का साथ छोड़ करके, गांधी लोहिया और अम्बेडकर के रास्ते पर, भारत के दिए संविधान के आधार पर, भारत के पुनर्निर्माण का जो प्रयास वो कर रहे हैं, इसमें किसी को क्या एतराज हो सकता है।